हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं जो चार्टर एक्ट्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं। तो सबसे पहले 1773 का चार्टर एक्ट आया, 1773 का। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें जो रेगुलेट किया गया उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे और किस तरीके से वो काम करेगी। तो ये सबसे पहला जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ। और गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम की स्थापना हुई पद की, और तीन प्रेसिडेंसी जो हैं हमारे यहाँ जो थी इंडिया में, जिनको आप स्टेट्स कहते हो, जिनके नाम है बॉम्बे और मद्रास और बंगाल। तो ये जो बॉम्बे मद्रास बंगाल था उसमें बंगाल को जो है हेड बनाया गया, ठीक है। और वॉर एंड पीस यही देखेगा, गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम पद था, 5 साल का कार्यकाल था इसका, ठीक है। इसकी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, जिसमें 4 मेंबर्स थे और 3 प्रेसिडेंसीज हो गई, ठीक है। और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि कहाँ थी, दिल्ली में नहीं थी, कैलकटा में थी, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो 5-4-3-1 से हम याद रखते हैं, 5 साल का कार्यकाल गवर्नर जनरल का, और 4 मेंबर थे उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 3 जो है वो प्रेसिडेंसीज थी और एक जो है वो कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। इसके एक प्रोविज़न और किया गया कि 20 साल बाद रिन्यू किया जाएगा इसको, ठीक है। बट अगले ही साल इसमें चेंज हो गया और पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में जो कुछ प्रोविज़न किए गए वो ये हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ऐसा ही था, इसमें कुछ चेंज किया गया। एक तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो तो थे ही थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा, ठीक है, कंपनी के। और कमर्शियल जो अफेयर्स हैं वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा ही देखेगा। 4 मेंबर की जगह 3 मेंबर कर दिए गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, 5-4-3-1, 5-4-3-2-1 में जो है इसमें जो बेसिक पॉइंट था वो 4 की जगह 3 मेंबर कर दिए गए। तो 5 साल का कार्यकाल वही रहा, 4 मेंबर की जगह 3 मेंबर हो गए, ठीक है। और वो जो सुप्रीम कोर्ट था हमारा कलकत्ता में वो वैसे ही रहा। वार एंड पीस को कौन देखेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और प्रेसिडेंसीज कितनी थी, 3 थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, अब इसको 20 साल बाद रिन्यू करने का प्रावधान था, तो फिर 20 साल बाद रिन्यू हुआ। तो 1793 में दूसरा आया, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, माइनर चेंजेस हुए, ठीक है, वो इतना रिविज़न के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके 20 साल बाद 1873 का आया, 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए इसमें प्रावधान किया गया भारत में, और मिशनरीज अपना प्रचार कर सकती हैं ईसाई धर्म का, ठीक है, वो इसमें प्रोविज़न किया गया। और जो कंपनी की मोनोपोली थी, मोनोपोली का मतलब आप पूरा ट्रेड कर सकते हो इंडिया में, उसको जो है वो ख़त्म किया गया। अब वो केवल चाय और चीन के साथ व्यापार पर ही मोनोपोली थी कंपनी की, बाकी ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया जो बिजनेस था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1813 का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर वैसे ही था, स्ट्रक्चर में कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया था, जो पूरा स्ट्रक्चर 1773 वाला था। फिर उसके 20 साल बाद अब होगा, सीधी सी बात है, तो जब 20 साल बाद होगा तो 1833 में होगा, 1833। अब 1833 में क्या हुआ, 1833 में चेंजेस आए इसमें। एक तो मोनोपोली ख़त्म कर दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार पे, ठीक है, मोनोपोली ख़त्म कर दी। और ये प्रावधान किया गया कि इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस होगा, कि भारतीयों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन ये केवल पेपर पर ही था, लेकिन वैसे नहीं था, ठीक है। और इसमें जो है एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया स्ट्रक्चर में, लॉ मेंबर पहले नहीं होता था, अब एक लॉ मेंबर टीबी मैकाले की इसमें नियुक्ति की गई, और लॉ मेंबर को ऐड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम था, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब हेड बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद दे दिया गया उसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको कहा गया। और जो बंगाल और जो प्रेसिडेंसी जो थी मद्रास और बॉम्बे, तो बॉम्बे और मद्रास बंगाल के अंडर आ गए। वार एंड पीस को ये देखते ही थे पहले की तरह, और सुप्रीम कोर्ट तो था ही था, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मोनोपोली ख़त्म कर दी और एक लॉ मेंबर आ गया, ठीक है, ये और जो है मेन चेंजेस हैं। और
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया 1833 में। और भारत में जो है वो सरकारी भारतीयों को सरकारी नौकरी मिलेगी ऐसा प्रावधान किया गया। और इसी समय बैंथम का जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल था, उपयोगितावादी सिद्धांत, उसका काफ़ी प्रभाव यहाँ पर पड़ा था। ठीक है, अब क्या होगा, 1833 के बाद फिर 20 साल बाद आएगा 1853 में। तो अब 1853 में क्या होगा, 1853 में ये हुआ कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ मेंबर जो टीबी मैकाले थे उन्होंने अपना काम किया, और फिर जो लॉ मेंबर का जो सिस्टम था उसको और बढ़ा दिया गया। अब लेजिस्लेटिव जो है वो काउंसिल बना दी गई, लेजिस्लेटिव विंग जो है वो बना दी गई 1853 में। ठीक है, और 1853 में जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होने चाहिए। तो उनको हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे, और इसमें आपने पूरा इतना रिवीजन कर लिया, नेक्स्ट लेसन में हम और डिस्कस करेंगे। थैंक्स।